लगा दूंगा पूरे शहर को अगर मेरा सामान नहीं मिला। तुम सब मेरा गुस्सा नहीं जानते, पिछली बार जब गर्म हुआ तो 13 दिन लगे थे, 13 दिन लगे थे ठंडा होने के लिए। फाइनली दोस्तों इंडियन सिनेमा में हमें काफी लंबे समय के बाद एक बड़ा और जबरदस्त क्लेश देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन सुपरस्टार्स सनी देओल और अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज हो चुकी है। इन दोनों ही फिल्मों ने दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के साथ ही नए नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में आज अपने पहले दिन की बाजी किसने मारी है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि किस फिल्म को ऑडियंस ज्यादा पसंद कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे अक्षय कुमार और सनी पाजी के डहाट फैन से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इन 1500 स्क्रीन पर यह फिल्म लगभग 80,000 से ज्यादा टिकट तो पीवीआर सिनेपोलिस और आईनॉक्स में ही बेच चुकी थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म के जो ऑल ओवर इंडिया से टोटल टिकट सेल थी वो एडवांस के मामले में ही 1,20,000 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अमित राय के डायरेक्शन में बनने वाली ओ माय गॉड 2 जो कि 2012 में रिलीज होने वाली ओ माय गॉड का सिक्वल है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों एक बार फिर से आपको अक्षय कुमार भगवान के रूप में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका साथ दिया है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम ने। अरुण गोविल सर भी दोस्तों इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं। ये एक सोशल कॉमेडी और ड्रामा फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस और इस फिल्म के रिव्यूज की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार प्रभु के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं और महादेव के कैरेक्टर में दोस्तों उन्होंने काफी अच्छा काम इस फिल्म में किया है। पंकज त्रिपाठी जी भी दोस्तों हमेशा की तरह आपका दिल जीतते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों यामी गौतम अपनी खूबसूरती के साथ साथ इस फिल्म में जिस तरह से एक लॉयर की भूमिका निभा रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है। यही वजह है दोस्तों कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 जो कि अपनी एडवांस में ही लगभग 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी थी। यह फिल्म दोस्तों आज मॉर्निंग से ही 25-28% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है, लेकिन दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस एंजॉय कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी है वो 32-35% की है, तो वहीं दोस्तों इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 45-50% की है। इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट के आंकड़ों को पार कर रही है और अपने पहले दिन 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ऑल ओवर इंडिया से ले रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने एडवांस के मामले में ऑलरेडी सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा को पीछे कर दिया था। तो वहीं दोस्तों आज ओपनिंग डे के मामले में भी यह फिल्म अपने पहले दिन क्लैश होने के बावजूद भी इस साल की टॉप 5 ओपनर्स में शामिल हो चुकी है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म को ऑडियंस जिस तरह से एंजॉय कर रही है और जिस तरह से दोस्तों गदर 2 से क्लेश होने के बावजूद भी इस फिल्म की कमाई है, यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म गदर 2 के बारे में जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म है और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ओपनिंग आज अपने पहले ही दिन ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अनिल शर्मा सर के डायरेक्शन में बनने वाली गदर 2 एक एक्शन हिस्ट्री ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के 90s के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार सनी देओल पाजी, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों गदर 2 गदर का सिक्वल है और दोस्तों गदर ऑलरेडी इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी। यही वजह है कि गदर 2 के लिए भी जो ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट थी वो काफी ज्यादा थी। सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिर से इस फिल्म में आपको एक्शन अवतार में नजर आए हैं और अगर बात की जाए गदर 2 के, तो दोस्तों गदर 2 में सुपरस्टार सनी देओल का एक्शन आपको तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर देने वाला है। इस फिल्म में दोस्तों जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से तारा सिंह के कैरेक्टर में जान फूंकी है वो दोस्तों हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि गदर 2 को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है जो कि इस साल
रिलीज होने वाली पठान के बाद बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था, जो कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द टॉप 3 ओपनिंग एडवांस फिल्मों में शामिल हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज से पहले ही 7.5 लाख से ज्यादा टिकट ऑलरेडी बेचे जा चुके थे। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह का शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी मिला है, और क्रिटिक्स भी दोस्तों इस फिल्म को खूब सपोर्ट कर रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली गदर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन मॉर्निंग से 45 से 50% की ऑक्यूपेंसी हासिल की, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी है। ऑडियंस की तरफ से भी दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं। यही वजह है कि इस फिल्म के आफ्टरनून और इवनिंग के भी जो शो है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए 48 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है, जो कि इस साल की टॉप 2 ओपनिंग है। और इसी के साथ इस फिल्म ने दोस्तों 550 करोड़ की फिल्म आदि पुरुष के भी रिकॉर्ड्स को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में पीछे कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है। साथ ही साथ सुपरस्टार सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनने के साथ ही उनके करियर की हाईएस्ट ग्रोसर भी बन चुकी है। ये फिल्म दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी आज अपने पहले दिन लगभग 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, और इंडियन सिनेमा के टॉप 3 बिगेस्ट ओपनर में शामिल हो चुकी है। फिलहाल में दोस्तों आज के कलेक्शंस का कंपेयर किया जाए तो दोस्तों सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ी ओपनिंग ली है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों का जो वीकेंड कलेक्शन है वो किसका ज्यादा रहने वाला है। फिलहाल में दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस काफी एंजॉय कर रही है, और यही वजह है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ट्रेंड करने वाली है। आपको इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय